let's continue our chapter, that is the making of a scientist. Sixth chapter, that is a year and a half later, during his junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. अब डेढ़ साल के बाद जब Albright junior year में, that is आप कह सकते हो कि जब a year and a half later during his junior year में Albright got the idea for his new theory, उन्हें अपनी new theory के लिए एक idea मिला, that is about cell life के बारे में उन्हें एक idea मिला, that is new theory में उन्हें एक cell life के बारे में पता चला, that it came while, उन्हें कैसे पता चला, जब वो x-ray photo देख रहे थे उस chemical structure hormone की, उस chemical स्ट्रक्चर हार्मोन की जब वो एक्सरे देख रहे थे तब उन्हें इसके बारे में चीजें पता चली. एंड दैट डेढ़ साल के बाद ड्यूरिंग जब वो जूनियर ईयर में थे तो Albright गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी, उन्हें अपनी न्यू थ्योरी के लिए एक आइडिया मिल गया, डैट इज सेल लाइफ. सेल लाइफ भी कोई थ्योरी है, डैट इज हर ऑर्गेनिज्म में मतलब सेल होता है. और इट केम मतलब उन्हें कब कन्फर्म हुआ, डैट इज जब उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन को एक्सरे फोटोज में देखा था, जब केमिकल स्ट्रक्चर की जब उन्होंने जब एक्स्ट्रा फोटो देखा था तब उन्हें ये बात पता चली थी. दैट रियलाइज किया कि सेल होते हैं, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होते हैं. एंड आर दैट इज व्हेन ही सॉ दोज फोटो, जब उसने उन फोटोज़ को देखा, जब उसने उन फोटोज़ को देखा तो दैट इज Albright डिड नॉट शाउट, या Albright डिड नॉट शाउट यूरेका, मतलब जब उन्होंने इस फोटोज़ को देखा तो Albright डिड नॉट शाउट, वो शाउट नहीं कर रहे थे, यूरेका. और इवन आई हैव गॉट इट, उन्होंने कहा यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, दैट मीन्स कि यूरेका मीन्स होता है अ क्राई ऑफ ट्रम्प, एक विक्ट्री का, विक्ट्री में जो रोना होता है, दैट इज विक्ट्री के आंसू. एट अ डिस्कवरी, मतलब उस डिस्कवरी में एक, मतलब उनके एक विक्ट्री हुई थी, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी फोटोज देखकर. एंड ओरिजिनली एट्रीब्यूटेड टू आर्किमिडिस, दैट इज जो आर्किमिडिक्स थे वो एक सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, और जब भी उन्हें विक्ट्री मिलता था तो वो क्या कहते थे, यूरेका कहते थे, ठीक है, विक्ट्री को वो अनाउंस करते थे. और जब रिचर्ड Albright ने जब वो फोटोज़ को देखा तो रिचर्ड Albright डिड नॉट शाउट, वो शाउट उन्होंने नहीं किया, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ठीक है, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. एंड दैट इज आर्किमिडीज ऐसे चिल्लाते थे, अपनी विक्ट्री को बताते थे. But he believed that along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. How the cell can read the blueprint of its DNA. उन्हें अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग जो फाइंड हुआ है अबाउट इंसेक्ट, उन्हें इंसेक्ट के हॉर्मोन्स के बारे में तो पता ही चला,
दैट इज द फोटोज, जब उन्होंने फोटोज देखी तो उनको उनका आंसर मिल गया था, दैट इज, और गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल, उनको एक बायोलॉजी पजल्स के पजल के बारे में भी उनको आंसर मिल गया था, दैट इज बहुत बड़ी उलझन उन्होंने सुलझा ली थी, पजल सुलझा लिया था, दैट इज हाउ सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ हियर डी एन ए, कि सेल कैसे रीड करती है ब्लू प्रिंट, हाउ कैन ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डी एन ए का कैसे सेल रीड करती है ब्लू प्रिंट, एंड दैट वो उलझन क्या थी, दैट इज कि सेल कैसे डी एन ए को कैसे पहचानती है, और डी एन ए क्या होता है, डी ऑक्सी राइवल न्यूक्लियर एसिड, आई थिंक फुल फॉर्म इसका यही है, कि हर सेल के अंदर एक डीएनए होता है, दैट इज वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वही वो बता सकता है कि वो जो सेल, और वही वो बता सकता है, डीएनए भी बता सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म का वो सेल है जो जेनेटिक कैरी करता है, ठीक है, वो कौन सा जानवर है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो सारे न्यूक्लियस दैट इज कि जो डीएनए से ही आपको पता चल सकता है कि वो किस जानवर का है क्या है, और जब वो सेल को देख रहे थे दैट डी एन, तो उन्हें मतलब जब रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, ठीक है, जब हाउ द सेल कैन रीड, सेल कैसे रीड करता है ब्लू प्रिंट ऑफ द डीएनए, डीएनए से आप पता कर सकते हो कि डैट इज वो किस जानवर या किस लिविंग बींग्स का ऑर्गेनिज्म है, एंड डीएनए इज द सब्सटेंस, देखो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, थस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, अब क्या था, ब्लू प्रिंट क्या होता है, अ डिजाइन प्लान होता है, या आप कह सकते हो एक टेक्निकल ड्राइंग होता है जिसे हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, जैसे आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो डिज़ाइन पेपर पे बनाते हैं, जैसे आपका भी घर जब बना होगा तो डैट इज पहले हम उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते जाते हैं, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि डी एन ए इज़ द सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल्स में, और वही क्या करता है, कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, वो क्या कहता है, वो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को, दैट और वो जो सेल है, मतलब कि हम अपने पेरेंट्स से ही करते हैं, कि वो डीएनए ही हमें अपने पेरेंट्स से दैट इज हमें वो हेरिडिटी में मिलता है, दैट इज एंड इट डिटरमाइन द फॉर्म, वो डिटरमाइन करता है फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल, वही डिटरमाइन करता है कि क्या क्या फॉर्म है और क्या क्या फंक्शंस है किसी सेल के, दैट और जो डीएनए होता है हमारी लाइफ का ब्लू प्रिंट है, और मतलब डीएनए हमारी लाइफ का ब्लू प्रिंट है और वही बताता है कि डीएनए किस ऑर्गेनिज्म का है, दैट एंड दैट क्या हुआ, ए ब्राइड एंड हिज कॉलेज रूम मेट जेम्स आर वॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल टू शो हाउ इट कुड हैपन टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, अब जो एब्राइट था और जो उसका कलीग था, जो उसका कॉलेज रूममेट था, और कॉलेज रूममेट कौन था, जेम्स आर वॉन्ग था, उसका कॉलेज रूममेट कौन था, जेम्स आर वोंग था, उसने क्या किया, वर्कड ऑल दैट नाइट, दोनों ने मिलकर पूरे रात भर काम किया और पिक्चर्स को ड्रॉ किया,
पिक्चर्स को उन्होंने ड्राइंग पिक्चर्स की और कंस्ट्रक्टिंग किया प्लास्टिक मॉडल. उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, डैट इज प्लास्टिक मॉडल भी उन्होंने बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाए, डैट इज प्लास्टिक मॉडल्स में उन्होंने शो करने की कोशिश किया था मॉलिक्यूल्स को. ठीक है, उन्होंने शो करने की कोशिश किया था मॉलिक्यूल्स को, दैट इज़ हाउ इट कुड हैपन, कैसे ये चीज़ें होती हैं, ये समझाने के लिए. और टुगेदर दे लेटर रोट दी पेपर, और उसके बाद टुगेदर उन्होंने बाद में दोनों ने ही इस पेपर इसको पूरा एक्सप्लेन करके, इस थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन करके लिखा, पूरा एक्सप्लेन करके इस थ्योरी को उसने लिखा दोनों ने. एंड दैट इज कि that surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510. That जो लोग रिचर्ड एब्राइट को जानते थे वो लोग ज़्यादा दैट इज देखिए जो लोग जानते थे कि रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि सबको पता था कि जो रिचर्ड थे वो बहुत हार्ड वर्किंग थे और बहुत तेज़ थे पढ़ने में, विथ हाईएस्ट ऑनर उन्हें मिला था, तो लोग ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ. और वो पूरी क्लास में सेकेंड आए थे. लेकिन कितने बच्चों में वो सेकेंड आए थे, उनकी क्लास में कितने बच्चे थे, 1510 बच्चे थे, उसमें उनको सेकेंड रैंक मिली थी. 1510 बच्चे थे उनमें से उनको सेकेंड रैंक मिली थी. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड दैट इज एब्राइट वेंट टू अ went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory that Ebraim went. अब क्या था कि That is क्या हुआ, जो एब्राइट थे went to become a graduate, वो graduate research, graduate student research बन गए. कहाँ पे? Harvard Medical School में, Harvard Medical School में वो बन गए. और there he began doing experiments, और वहाँ पे उन्होंने क्या start कर दिया, doing experiments करने लग गए to test it, वो अपनी theory को test करने के लिए वहाँ पे भी उन्होंने experiment करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया. दैट एंड नेक्स्ट इफ द थ्योरी प्रूफ करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप. देखिए इफ द थ्योरी प्रूफ करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. अगर थ्योरी प्रूफ करेक्ट हो जाती है, अगर थ्योरी पूरी तरह से प्रूफली करेक्ट हो जाती है, तो इट विल ये एक बिग स्टेप होगा टूवर्ड्स दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ को लेकर, ये बहुत ही बिग स्टेप होगा. अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ को लेकर ये बहुत बड़ा बिग स्टेप हो गया. एंड It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer, subtypes of cancer and other diseases. अगर उनकी थ्योरी, अगर वो ये न्यू आइडिया उनकी थ्योरी प्रूफ हो जाती है, तो कई टाइप्स ऑफ कैंसर डिसीजेस को वो क्योर कर पाएंगे. लाइक तरीके जैसे कैंसर, जैसे कि मतलब कई तरीके, अगर वो मतलब ये थ्योरी को प्रूफ कर लेते हैं, नया आइडिया मिल जाएगा, तो आप जो टाइप्स ऑफ कैंसर, जो अदर डिसीज है, उसको भी सेव कर सकते हो, उसको क्योर कर सकते हैं. दैट
उनके इसीलिए उनकी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. एंड दैट हिज हाई दैट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the spots on a monarch pupil eventually led him to his theory about cells life. That अब यहाँ पर हम ये solution निकाल सकते हैं, मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एब्राइट एक दैट इज मतलब एक अच्छे एब्राइट एक अच्छे साइंटिस्ट कैसे बने, एक रिसर्चर कैसे बने, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, एक क्यूरोसिटी थी क्योंकि क्यूरोसिटी थी बचपन से ही उनके अंदर. कभी वो स्पीसीज को इकट्ठा करते थे और जो हाई स्कूल में उन्होंने जो रिसर्च किया था कि ये जो प्यूपा के जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं उसका क्या पर्पस है. ठीक है, क्यूरोसिटी दैट इज ये जो क्यूरोसिटी थी उनके अंदर, ये इसी के कारण ये काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट बने. लेकिन जो डॉक्टर यूकार्ट थे उन्होंने उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये सिर्फ ऑर्नामेंट है. उन्होंने उनकी बुक में जब चीज़ें लिखी तो इससे क्या हुआ, एब्राइट में और भी चीज़ों को जानने की इच्छा हुई, उस थ्योरी के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन की इच्छा हुई. तो इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और उन्होंने की डाटा देखिए क्या किया कि उन्होंने मोनार्क पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन थ्योरी एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. दैट इज लेट हिम टू हिज थ्योरी मतलब सेल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिली और उन्हें यह भी पता चला वो गोल्ड स्पॉट्स क्यों थे और जो सेल है वो हर लिविंग बींग्स में रहते हैं. और दैट इज बिकॉज ऑफ DNA आपको उसके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चल सकता है. उन्होंने इसके बारे में भी पता किया, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन सेल लाइफ के बारे में उन्होंने जानकारी दी. एंड दैट रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई. जो रिचर्ड एब्राइट थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे साइंस सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो साइंस में, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब फर्स्ट जब वो किंडरगार्टन में थे दैट टाइम से उन्होंने क्या किया था, ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग उन्होंने फर्स्ट कलेक्टिंग स्टार्ट कर दी थी बटरफ्लाइज की. उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, कलेक्टिंग ऑफ बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. एंड एक तो वो बहुत हार्ड वर्किंग भी थे, ठीक है, बट नॉट सो डीपली लेकिन वो इतना डीपली भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो और देखिए वो इतना भी डीपली नहीं इंटरेस्टेड थे बटरफ्लाई में कि वो और चीज़ों में अपना इंटरेस्ट डेवलप ना कर पाए. और ठीक है, साइंस के अलावा उनके और भी इंटरेस्ट थे जो वो डेवलप करते रहते थे. दैट एंड एब्राइट दैट इज एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनो अ लाइट बोट को पैडल जो किया जाता है दैट इज कैनोइस्ट कहा जाता है. एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. वो बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे और उन्हें कैनो चलाना बहुत अच्छा आता है और वो एक आउटडोर पर्सन भी थे. दैट इज़ आप ये कह सकते हो
कि वो एक वन ट्रैक पे जाने वाले इंसान नहीं थे, वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो नेचर से भी बहुत प्यार करते थे, अराउंड जाते थे, दैट इज अराउंड आउटडोर पर्सन भी थे वो, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करते थे, दैट ही इज़ ऑल्सो एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर, ठीक है, वो ही इज़ ऑल्सो, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर की फोटोग्राफी वो बहुत करते थे, दैट और साइंटिफिक एग्जिबिट चौथ चर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की फ़ोटोग्राफी बहुत करते थे वो, नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की वो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करते थे, एंड दैट इन हाई स्कूल क्या हुआ था कि दैट इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट, वो स्ट्रेट दैट इज अ स्टूडेंट थे, एंड बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब दैट रिचर्ड एब्राइट में पढ़ने में बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत अच्छे थे, तो उनकी स्टडी दैट इज रिचर्ड एब्राइट पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, इसलिए वो अदर एक्टिविटीज़ में भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करते रहते थे, अपनी एनर्जी उसमें लगाते थे, उन्हें डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स को ज्वाइन करने का बहुत क्रेज़ था, और वो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कर लेते थे, जैसे डिबेट करना, और उन्हें वो जो क्लब ज्वाइन करना था उसका उन्हें बहुत शौक था, लाइक मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, वो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लिया करते थे, एंड ही ऑल्सो found someone to admire. देखिए he also found someone to admire. Richard A. Wehrer, his social studies teacher थे that and advisor थे to both clubs के. Mr. Wehrer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Albright said. रिचर्ड वेयरर दैट इज देखिए ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, मतलब कि वो किसी टीचर को पसंद करते थे जिसने उन्हें बहुत एडमायर किया था, तो दैट इज वेयरर थे, दैट इज रिचर्ड ए वेयरर, ठीक है, उनके सोशल टीचर थे और वो एडवाइजर भी थे क्लब के, और एब्राइट कहते हैं कि मिसेस वेयरर वॉज ए वो एक परफेक्ट पर्सन थे, ठीक है, मेरे लिए, और ही ओपन उन्होंने मेरे माइंड को ओपन किया था, न्यू आइडियाज़ दिए थे उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के, और हमेशा देते रहते थे, एंड दैट रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट Richard would always give that extra effort, Mrs. Wehrer said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his another interest. Up here. देखो मिस्टर वेयरर हमेशा कहते हैं कि जो रिचर्ड है वो हर वर्क में ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, वो हर काम में एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते हैं, ठीक है, हर वर्क में वो हमेशा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिया करते थे, हाँ वो कहते हैं कि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश था कि वो जो पर्सन थे जो रिचर्ड थे वो अपने डिबेट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे,
वो 3 to 4 hours पूरी रात जग के 3 to 4 hours नाइट में अपने डिबेट के मतलब रिसर्च करते थे अपने डिबेट के टॉपिक को. और दैट इज उन्होंने उनकी तारीफ़ मिस्टर वेरन ने उनकी तारीफ़ की. डैट इज़ वो उनसे बहुत खुश रहते थे क्योंकि ये जो पर्सन था वो 3 to 4 hours लगा देता था अपने डिबेट को सर्च करने के लिए, उसके टॉपिक को सर्च करने के लिए. एंड बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, और साथ में वो क्या करते था, वो अपने रिसर्च को जो बटरफ्लाइज के जो रिसर्च थे उनको भी वो साथ में करते रहते थे रिचर्ड. और हिज इंटरेस्ट एंड दैट इज आप कह सकते हो कि उनका जो इंटरेस्ट था वो जो अदर इंसेक्ट अदर इंटरेस्ट था उसमें भी वो काफ़ी मतलब पार्टिसिपेट करते थे. एक तो वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे, दूसरा वो पूरा अपना एफर्ट लगा देते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते थे किसी भी वर्क को करने में. एंड दैट रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. मिस्टर वेरन कंटिन्यू उन्होंने कंटिन्यू किया डैट बट नॉट इन अ बैड सेंस दैट ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. अब और मिस्टर देखिए क्या होता, रिचर्ड में एक कॉम्पिटेटिव की भावना भी थी मिसेस वेरन ने कहा, लेकिन उसे बैड सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है. बट नॉट इन बैड सेंस वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिचर्ड वॉज नॉट वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि किसी चीज़ को जीतने में या प्राइज लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव करते थे किसी चीज़ को एक्सेल करने में, ज़्यादा इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करने में, उसको मतलब कि ज़्यादा डेवलप करने में. जैसे उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, ज़्यादा चीज़ों को उन्होंने क्या किया, डेवलप करने की कोशिश की. That. That is, क्या हुआ कि rather he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reason he wants to be the best. अब क्या था that वो देन मतलब ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन हर हिमसेल्फ, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे. उन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं था, वो किसी से कॉम्पिटिटिव नहीं करना सकते, कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहते थे. ठीक है, वो सिर्फ अपने आप से, और दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू विन एंड कम्पिटिट विद अदर, मतलब कि वो एफर्ट लगाना चाहते थे उस बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे. बस वो यही चाहते थे, वो यही बेस्ट जॉब करना चाहते थे. ही वॉज विनिंग दैट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द वो बेस्ट जॉब करना चाहते थे, जो भी वो काम करना चाहते थे वो बेस्ट चीज़ें उसमें करना चाहते थे. फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी बेस्ट, मतलब वो बेस्ट होना चाहते थे. वो प्राइज नहीं जीतना चाहते थे, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहते थे, बस अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेल में वाइड रेंज में फैलाना चाहते थे. दैट start with a first rate mind at curiosity and mix in the will to win for the right reason a bright has these qualities. देखिए कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो रिचर्ड को एक मतलब कि बेस्ट साइंटिस्ट बना,
बनाया गया, जैसे रिचर्ड एक बेस्ट साइंटिस्ट बन पाए, कौन कौन सी उसके लिए बेस्ट क्वालिटी थी, दैट इज उनमें उनका फर्स्ट रेट मै उनका जो माइंड था बहुत शार्प था, क्यूरियसिटी थी, साइंटिफिक क्यूरियसिटी थी, और थर्ड थी मतलब दो मतलब विल था कि मतलब राइट रीजन से राइट मतलब एक विल टू विन था उनके अंदर कि वो राइट रीजन से किसी भी कंपटीशन को वो जीते दैट। और एब्राइट को इसी तरह मतलब एब्राइट को इसी मतलब इन क्वालिटीज के वजह से ही वो एक साइंटिस्ट बने दैट। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एग From the time the book The Travel of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. That एक बार ने जब एक बार जब रिचर्ड जब एक बार जब रिचर्ड एब्राइट ने ये बुक पढ़ी थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एग्स, बुक के द्वारा उनके अंदर बुक के द्वारा उनके अंदर ये साइंस की चीज़ों ने डेवलप किया, ये साइंस की जो क्यूरोसिटी थी बुक के द्वारा और बढ़ गई, कभी भी ख़त्म नहीं हुई, और जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी वो उनके अंदर ख़त्म नहीं हुई, और फर्दर वो करते गए, एनालाइज करते गए, क्वेश्चन पुटअप करते गए, और इसी क्यूरोसिटी की वजह से उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी को डेवलप किया। और हमने इस चैप्टर में ये देखा कि एक छोटे से रिचर्ड एब्राइट एक छोटे से कैसे बड़े हो गए और कितने बड़े साइंटिस्ट के रूप में डेवलप बन गए। एंड वी ऑल मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी। एंड थैंक यू।